24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मलबे और पत्थरों के नीचे जिंदगी की तलाश जारी है। शुक्रवार की शाम अमरनाथ गुफा के नजदीक तेज बारिश और अचानक आए पानी के सैलाब में 25 से ज्यादा टेंट पूरी तरह से तबाह हो गए। घटना में अब तक 15 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। पुलिस, एनडीआरएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस, सीएपीएफ सारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं। अभी तक में 15 डेड बॉडी रिकवर हो गया है और 35 इंजर्ड हुआ था। सारे को हेली सर्विसेज में पहुंचा दिया गया, सारे स्टेबल हैं। और जो आप देख रहे हैं कि सारे जवान ऑफिसर लगे हुए हैं और डेब्री को हटा रहे हैं। शनिवार पूरे दिन अमरनाथ में बचाव कार्य जारी रहा। सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस भी राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। सुबह होते ही आर्मी और एयरफोर्स के 8 हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरनी शुरू की। सुबह तकरीबन 6:45 पर आर्मी का एक MI हेलीकॉप्टर 11 घायलों को लेकर नीलग्रार बालटाल हेलीपैड पर लैंड हुआ। सेना की मेडिकल टीम ने घायलों का तुरंत उपचार शुरू किया। उसके बाद हेलीकॉप्टरों की उड़ान दिन भर जारी रही। मलबे को हटाने और लापता लोगों को तलाशने का काम युद्ध स्तर पर चलता रहा। सेना ने प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड को भी उतारा, तो साथ ही अत्याधुनिक तकनीक से लैस जवान लापता लोगों के सूत्र तलाशते रहे। 2 लोगों को मलबे से जिंदा बचाने में जवानों को कामयाबी भी मिली। रात भर रेस्क्यू चलाए, संगम टाउन में 5 चंडी तक लोगों को पहुंचाया इंडियन आर्मी ने। पूरी रात इंडियन आर्मी हमारे साथ खड़ी रही थी। हिंदुस्तान का दिल इंडियन आर्मी, दिल चलता है तो इंसान चलता है, ऐसे ही इंडियन आर्मी है। हम यहाँ आए हैं, जो भी फैसिलिटीज XYZ जो इनसे होता है, पूरे एक से एक अपना दिल लगा के करते हैं। न ये दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न सूर्य देखते हैं, न चांद देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सेवा देखते हैं। जिस तरीके से आप लोग को फौजी ने बचाया है, तुरंत बोले पहाड़ की तरह चुपको चुपको, एक एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ में समेट करके बचाया। हम अपने आर्मी को सत सलाम। दूसरी ओर सेना का एक हेलीकॉप्टर घटना में मारे गए 10 श्रद्धालुओं के शव लेकर श्रीनगर पहुंचा। उधर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्थित SKIMS अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। इस बीच अमरनाथ यात्रा शनिवार को स्थगित रही। एहतियातन 11वें बैच में शामिल 6000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ही रोक दिया गया। प्रशासन के मुताबिक तकरीबन 15,000 लोग यात्रा के स्थगित होने से प्रभावित रहे। पवित्र गुफा के आसपास इलाके वाले यात्रियों को पंचतरणी पहुंचाया गया, जहां उन्हें दवाएं, राशन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई गई। हमारे मेडिकल डिटैचमेंट्स जो आर्मी के हैं, हम लोग सिविल के जो मेडिकल डिटैचमेंट्स है उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम काम कर रहे हैं और किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं है। दे आर वेल इक्विप्ड एंड सब कुछ, मेडिसिन वगैरह सब कुछ उनके पास पूरे मौजूद है। द रेस्क्यू ऑपरेशन इज स्टिल ऑन देयर, दे आर ट्राइंग टू एस्केवेट एंड सी इफ देयर इज एनी पॉसिबल, यू नो, लाइफ बॉडीज आर देयर, लाइफ पीपल आर देयर, दे आर ऑल ट्राइंग देयर बेस्ट। पहलगाम और बालटाल दोनों आधार शिविरों पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सेना अर्धसैनिक बलों ने जहां जवानों की संख्या में इजाफा किया, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने डॉक्टर, मेडिकल टीम, दवाओं के साथ पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की चीजों का इंतजाम सुरक्षित किया है। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। किसी भी प्रकार की जानकारी और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। ज्वाइंट पुलिस कंट्रोल रूम पहलगाम के हेल्पलाइन नंबर है 9596779397977। दूसरा जो नंबर है वो ये नंबर है कि 7962170193624। और जो तीसरा हेल्पलाइन नंबर दिया गया वो है 2330193624301। इसके साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम अनंतनाग के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। वो नंबर इस प्रकार है 9596777769914 19। और जो दूसरा हेल्पलाइन नंबर है वो 0519400193225। और जो तीसरा हेल्पलाइन नंबर दिया गया वो है 8700193222287। इसके साथ साथ सेना ने भी अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उसका नंबर है 9 1
9 7 2 0 9 9 8। तो आपको किसी प्रकार की भी समस्या है तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कल रात में ही वहाँ शामिल हो गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन में। चौथी टीम हमने शेषनाग से रवाना की थी, वो शामिल हो गई है। तो हमारे करीब 100 से अधिक रेस्क्यूअर इस समय रेस्क्यू कार्य में जुड़े हुए हैं। इसके सिवा और फोर्सेस की काफी नफरी वहाँ पे अवेलेबल है, तो ये सारा एक टीम वर्क से काम आगे चलाया जा रहा है। हमारी माहिती के मुताबिक अभी तक 5 लोगों को उस समय जीवित निकाल लिया गया था। 16 कैजुअलिटी का कंफर्मेशन हमें मिल रहा है और 40 के आसपास लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड नहीं हो रही लेकिन बारिश थोड़ी बहुत जारी है। सोनबर्ग पे बारिश ज्यादा थी जैसा हमको मैसेजेस मिले थे बीच में, लेकिन 4:30 बजे तक रात में काम चला। फिर बारिश के कारण 1.5 घंटा स्थगित किया गया, फिर 6 बजे से दोबारा काम जारी किया गया है। तो पानी का बहाव पहले से कम है फिर भी लेकिन तेज है, लेकिन हमारी टीमें उसके लिए ट्रेन भी रहती है। अमरनाथ में आई हुई आपदा में हमारा मानसा मानसा पंजाब का भंडारा, ये देखिए किस तरीके से सब कुछ तहस नहस हो गया है। और आर्मी, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ सभी कैसे एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और दोस्तों ये देखिए किस तरीके, ये देखिए दोस्तों ये अमरनाथ में आई हुई आपदा में हमारा मानसा
मानसा पंजाब का भंडारा ले आया जा चुका है उनको। सर कितना मुश्किल हो रहा है, रात भर बारिश हो रही थी, क्या चुनौतियाँ हैं उसमें? देखिए NDRF SDRF की टीमें, हम लोगों की CRPF की टीमें, बाकी जितने भी वहाँ पर और भी फोर्सेज हैं सभी के लोग उसमें लगे हुए हैं और सारे लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज मुझे बताया गया, दो लोग करीब करीब एयरलिफ्ट करके श्रीनगर ले जाया जा चुका है उनको। सर कितना मुश्किल हो रहा है, रात भर बारिश हो रही थी, क्या चुनौतियाँ हैं उसमें? देखिए NDRF SDRF की टीमें, हम लोगों की CRPF की टीमें, बाकी जितने भी वहाँ पर और भी फोर्सेज हैं सभी के लोग उसमें लगे हुए हैं और सारे लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज मुझे बताया गया, दो लोग करीब करीब आधे उसमें ज़मीन में गड़े हुए थे और सांसें उनकी चल रही थी, उनको भी रेस्क्यू करके ही लोग ले आए हैं। तो बहुत डिफिकल्ट काम तो बहुत है ही है, आप सब जानते ही हैं कि क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में प्रोडिक्ट कर पाना या समझ पाना या उसके लिए रेडी रह पाना तो बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी समय समय पर हर तरह की जो प्रिकॉशनरी वार्निंग है, बोलना है, वो सब किया जा रहा है, बोल भी रहे हैं लोग, तो अभी तो सिचुएशन ठीक है। सर कितने लोग मिसिंग हैं अभी, जिनको मिसिंग का ऐसा है कि मैं आपको ऑफिशियल फिगर नहीं दे सकता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन इसलिए कि हमारे पास उसकी फिगर नहीं रहती है, लेकिन जो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमसे मिले थे उनकी लिस्ट में करीब 41 रिपोर्टेड मिसिंग है, लेकिन उसमें से कुछ लोग शायद मिल भी गए हैं, बट एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा मैं, 41 की बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो तब तक चलेगा जब तक कि जितने लोग मिसिंग हैं उनकी खोज कंप्लीट ना हो जाए। आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बह रहा है कि काफ़ी पंडाल बह गए हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पर पहुँच गया? हम लोग तो रास्ते में बर्फ भी गिर पत्थर भी गिरने लग गए थे, फिर मलेटी वालों ने रोक भी दिया था हम लोग, तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहाँ से एकदम। मतलब आपको लगा कि मतलब आपने कैजुअलिटी भी शायद देखी होगी, इंजर्ड भी देखा, कैसा माहौल था? अरे माहौल बहुत दर्दनाक था, एक लोग हमारे साथ में थे उनके साथ कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, बस बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब, समझने का मौका ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पलट के देखा तो बस बारिश पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी में बैग था, लोगों की रावटी बह रही थी, टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे, दो चार छः आठ कैजुअल्टी, तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। हम लोग 9 लोग याद In a fatal and tragic incident near the Amarnath Shrine, 17 people have been reportedly killed and over 36 are still missing due to flash floods triggered by a massive cloudburst in the region. Heavy boulders and gushing water hit the base camp at Baltal, washing away 3 langars and 25 tents pitched by pilgrims undertaking the perilous annual yatra to the famed Holy Shrine. Flash floods caused by cloudbursts have become increasingly common.
लोग कुल 73 लोग के ग्रुप थे जिसमें से 45 लोग हम लोग भी सुरक्षित है, बाकी वो लोग संपर्क नहीं हो पा रहा है, मिसिंग कहाँ हो रही समझ में नहीं आ रहा है कुछ। वो पहुँच चुके थे, बारिश नहीं हुई थी, बारिश पहले पहुँच चुके थे, पहुँचने के बाद एकाएक बूंदीबांदी हो रही थी, लेकिन हम लोग गुफा के पास सर पहुँच गए थे तो मालूम नहीं था कि इतना ज़्यादा यहाँ पे तूफान आ जाएगा या बारिश आ जाएगी। मैं इस हादसे के 2 किलोमीटर पहले था जहाँ पर लोगों को रोक दिया गया था और सीआरपीएफ ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वहाँ पर सब लोगों को रोक दिया और वहीं से सबको वापस किया, नहीं तो काफ़ी लोगों का और नुकसान हो सकता था वहाँ पे और काफ़ी लोग परेशान हो गए थे एंड टाइम। और बारिश बोले तो बारिश भी काफ़ी अच्छी खासी थी, वहाँ से लोगों को जैसे तैसे, वहाँ के जो यात्रियों ने भी थे, यात्रियों ने भी काफ़ी लोगों को हेल्प की और वहाँ के सीआरपीएफ वालों ने, पुलिस वालों ने, सब लोगों ने मदद किया अच्छे खासा और काफ़ी लोग घटना के पहले ही सुरक्षित अपने पहुँच गए स्थान पर। हम 6 जने आए हुए हैं, आज का दर्शन का हमारा टर्न था लेकिन यह हादसा हुआ है तो इसमें बहुत बड़ा दुख हुआ हमको, लेकिन दर्शन करके जाएंगे और जो भी यात्री यहाँ ठहरे हुए हैं सभी के दर्शन हो यही हम प्रभु से कामना करते हैं। हम लोग तकरीबन शाम 5:30 बजे गए दर्शन के लिए अमरनाथ, उसी दौरान अचानक पहले तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, फिर अचानक बादल फटने से ऊपर से मलबे के साथ साथ बहुत तेज रफ्तार से पानी आने लगा, जिसमें हम लोगों का टेंट जिसमें हम लोग रह रहे थे वो सारा अचानक बह गया और वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हो गया। इंडियन आर्मी वाले बहुत मतलब सहायता हम लोगों का किए, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था कि क्या बताएं। वहाँ पे लोग समय जाए रेस्क्यू की टीम लगे हैं तो जनता से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा वहाँ पे ध्यान दें क्योंकि यात्री वहाँ पे परेशान है। मतलब वहाँ से ऊपर से जो बाबा की गुफा के बगल से जो 2 रास्ते से पानी गिरती है धीरे धीरे, उसी रास्ते से इतने बड़े बड़े बोल्डर पानी के साथ बहुत तेजी से आए हैं, उसकी चपेट में जो लोग आ गए वो घायल हो गए या वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। सारे इंतजाम थे, सभी लोग थे, लेकिन अब ये ऐसा आकस्मिक हुआ उसमें कोई क्या करेगा, इंतजाम सारे थे, पुलिस ने तुरंत हेलीकॉप्टर से जो घायलों को भी भिजवाया। भी तकरीबन 25 बार आगे भी हमने यहाँ पर दर्शन किए भोले बाबा के, हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, वो भोले बाबा जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। सबसे पहले मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बात करूँगा लोगों से कि हम सबसे पहले मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जैसे ही ये हादसा हुआ उन्होंने क्विक एक्शन लिया। नमस्ते साहब जी। नमस्ते जी। नमस्ते, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मेरी मदर आ रहा है प्रवास में, तो ऊपर अभी चालू है बरसात, आज यात्रा बंद है आज, और वो बरसात बंद है चालू है? नहीं, बरसात हल्की हल्की बूंदाबांदी आज, अभी तेज बारिश है, बाबा जी गुफा पे भी हल्की हल्की बूंदाबांदी है, शेषनाग में हल्की हल्की बूंदाबांदी है और यात्रा फिलहाल अभी आज के लिए या एक बंद है। हाँ जी, चालू होगी भरी फिर? बिल्कुल चालू होगी, बिल्कुल उम्मीद है, लेकिन पूरा रेस्क्यू और रास्ते वास्ते बनने के बाद चालू होगी तो उम्मीद की जा रही है 1 या 2 दिन के बाद यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा, इसलिए जो यात्री जहाँ पे उनको वहीं रोका गया है और आगे फिर धीरे धीरे करके छोड़ा जाएगा। इसी बात और मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो अभी कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, मोबाइल तो नहीं लगेगा? मोबाइल सर वहाँ पे अब इस बार बारिश भी हो रही है और बैटरी चार्जिंग की भी ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं है, तो यात्री आपके सेफ ही होंगे, हो सकता है मोबाइल ना लगे तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। जैसे नहीं, वो मैं क्या बोल रहा हूँ साहब जी, वो यहाँ